या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। पसंद रसूलुल्लाह की आए, नाम ही कितना प्यारा है। और कोशिश यही है कि रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद में से जो जो हमारे मुताले में चीज़ें आई हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और ज़ाहिर है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ बयान किया गया वही हैं, जहाँ जितना मुताला हो सका, जितनी चीज़ें मुझ तक पहुँच सकें तो वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। और बकिया ये कि क्या क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था, ज़ाहिर है कि उस किताबें उसे माला माल हैं। मगर ये बात तय है कि जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते कि आपको फलां शे बहुत पसंद है, अच्छी लग रही है, तो उनको भी उससे मोहब्बत हो जाती, वो शे उन्हें भी पसंद आ जाती। मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी रिवायत बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये रिवायत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की के आप बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ दर्जी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की दावत की। कहते मैं भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उस दावत में खाने पर हाजिर हुआ, जो कि रोटी और शोरबा था सालन, जिसमें कद्दू शरीफ, लौकी कहते हैं कद्दू शरीफ, और खुश किया हुआ नमकीन गोश्त था। फरमाते खाने के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को मैंने देखा कि प्याले के किनारे से कद्दू की काशें, जो टुकड़े होते हैं कद्दू की काशें तलाश कर रहे हैं, इसीलिए उस दिन से कद्दू पसंद करने लगा। हाय हाय, ये बुखारी शरीफ की मैंने हदीस आपके सामने बयान की है। तो इसके बाद मेरे पास तिर्मिज़ी शरीफ की एक बड़ी प्यारी रिवायत नकल है कि हज़रत अबू तालुत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ, वो कद्दू खा रहे थे लौकी शरीफ। फरमाते दरख्त तेरी क्या शान है, तू मुझे किस कदर महबूब है, पसंद है, और ये मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे महबूब रखा करते थे। आए कुर्बान जाऊँ, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के इस मोहब्बत के अंदाज पर आज बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि मोहब्बत के इस अंदाज को आम किया जाए। गौर तलब बात यह है कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस मैं कद्दू से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर? नहीं, ऐसी रिवायत, इस जो मैंने रिवायत पढ़ी इसमें यह उनवान नहीं है, कहीं बयान हो तो मेरे इसमें इल्मे नहीं है। ठीक है, हुआ क्या है? हुआ सिर्फ यह है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह चीज पसंद है,
बस पसंद हो गई। ये इश्क मोहब्बत प्यार उल्फत की एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी मिसाल मैंने आपके सामने बयान की है कि ये इश्क है ना, ये फिर मतलब कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है कि ये क्या है, तो उसको तर्क कर देंगे तो गुनाह थोड़ी कोई होगा, तो ये नहीं है ये चीज़ें। मतलब या जो मैं बयान, यकीनन फ़र्ज़ की अहमियत, तो फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, वाजिब वाजिब है, लेकिन यहाँ जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक अंदाज को फॉलो करना ना, एक पसंद को फॉलो करना और उसको इख्तियार कर लेना, उसको निभा लेना, वो क्या खूब शेर है, बे खुद किए देते हैं अंदाज इजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। कितना इश्क व मोहब्बत था सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं से, आपकी पसंद से। ए आशिकाने रसूल, यकीन मानिए अगर ये पैगाम मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंद को पसंद कर लेना और फिर उसे इख्तियार कर लेना, अगर ये अंदाज मोहब्बत आज अमली सूरत में हमें नसीब हो जाए ना, नक्शा बदल जाए, यकीन मान नक्शा बदल जाए, हमारे ज़िंदगी का नक्शा बदल जाए, हमारे माशरे का नक्शा बदल जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये एक मैंने इब्तदाई तौर पर आपको जो रिवायत बयान की, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं पसंद रसूलुल्लाह की, तो ये इंशाल्लाह इसमें कई इस तरह के उनवानात लेने की नीयत है मेरी इंशाअल्लाह ताला। तो अब मिसाल देता हूँ, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो शे यानी जो अशिया पसंद थी, गोश्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था, तो कौन सा गोश्त पसंद था, कहाँ किस हिस्से का गोश्त ज़्यादा पसंद था, तो इंशाअल्लाह उस पर अल्लाह ने चाह तो आप बयान सुनेंगे। और मेरी नीयत है हम कोशिश करेंगे कि इन पसंद को जो हम बयान कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें इख्तियार फरमाया जो हम आपको बयान करेंगे, तो इसके जहाँ जहाँ हो सका हम आपको तिब्बी फवायद मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर भी मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी इंशाल्लाह मज़ीद रग़बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। एक हिकमत अमली है कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर मज़ीद इस शे की मोहब्बत और अज़मत और बढ़ जाए, वरना इसका इतना ही काफ़ी है कि इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। वो याद आया ना हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजर अस्वद को बोसा दिया ना, या बोसा दे रहे थे, उस वक्त फरमाया कि मैं तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे रसूल पाक ने चूमा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए अंदाज देखिए मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का, इश्क का। और बस अल्लाह इनका सदका और ये इनका फैज़ान हमें नसीब फरमाए। तो इसी तरह कद्दू शरीफ जिसका मैंने अभी आपके सामने एक वाकया बयान किया, तो इंशाल्लाह इसको एक तफसील के साथ किसी सिलसिले में बयान करूँगा और उसमें मज़ीद इससे मुतालिक कुछ और भी पॉइंट्स होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह रोगन जैतून, जैतून का तेल हम जिसको कह सकते हैं, ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। ग़िज़ा में यानी खाने में सरीत क्या होती है और दिखाएंगे भी इंशाल्लाह, बताएंगे भी, पक्का कर नहीं दिखा सकता मैं। अब वो कैसे उस वक्त बनती होगी, उसका अंदाज़ क्या होता होगा, वो एक अलग है, मगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि वो कितना वो प्याला प्याले की सूरत में उठा कर लाया जाता था और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान खाया करते थे, इंशाल्लाह इसका भी वक्त और बयान होगा। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहद बड़ा पसंद था। जी हाँ, शहद तो पसंद था, शहद से
जो शहद के जरिए जो पानी मीठा किया जाता था ना, वो मीठा पानी जो शहद के जरिए मीठा किया जाता है, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद था। हलवा बड़ा मशहूर है, ये हलवा भी मेरे आका को पसंद था। तरबूज खाते रहते तुम घर में, तो तरबूज भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद था। खरबूजा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद था। खजूर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी, जिसमें अजवा का ख़ास जिक्र किया गया है, अजवा। इसी तरह ककड़ी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी, और अंगूर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थे। तो अच्छा, खुरचन उमूमन खाने की जो खुरचन होती है, ये खुरचन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुरचन ही पसंद थी। तो खजूर और मक्खन का सरीत, जैसे मैंने कहा सरीत, अब ये सरीत क्या होता है इंशाल्लाह जब सिलसिला मैं इस पर करूँगा प्रोग्राम तो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। तो फिर ये कि खजूर और मक्खन का सरीत, ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद था। दूध भी पसंद था, खुशबू रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। और मिसवाक आया है, इस पर तो आप कई मदनी मुज़ाकरों में और मदनी चैनल के कई प्रोग्रामों में आप मिसवाक पर सुन चुके हैं, और इंशाल्लाह इस पर भी अल्लाह ने चाह तो मैं प्रोग्राम करूँगा। अच्छा नाम, जब किसी को मेरे आका किसी काम से भेजा करते तो उसका नाम दरियात फरमाते, तो अच्छा नाम होता तो इस कदर खुशी होती थी कि खुशी मेरे आका के चेहरे अनवर से ज़ाहिर हो जाया करती थी, इस कदर ये। और बोलने के ताल्लुक से और दीगर मामला से, तकिए के ताल्लुक से इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को पसंद, तो हमारे प्रोग्राम का नाम है पसंद रसूलुल्लाह की। क्या नाम है? पसंद रसूलुल्लाह की, ए आशिकाने रसूल। ये बारी बारी इंशाल्लाह सिलसिला आता रहेगा, ये चीज़ें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसको इख्तियार कीजिएगा, ये बड़े मुबारक अय्याम हैं। ज़ुलहिज्जतुल हराम का ये जो पहला अशरा है, शुरू के 10 दिन बड़े मुबारक हैं, और जब आप ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हज की सआदत नसीब होने के मामलात होंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मकबूल हज अता करे, बाअदब फतीने पाक की हाज़िरी भी अता हो। बक्की भी नसीब हो जाए, ये भी दुआ कीजिएगा। और चूँकि चल मदीना की सआदत नसीब हो रही है, तो पीरो मुर्शिद के साथ जो सफ़र होता है उसके एक अपने आदाब होते हैं, उसके एक अपने तकाजे होते हैं, तो रहनुमाई भी ऐसी होती है। जब पीर साहब हों तो फिर रहनुमाई भी ऐसी होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर अदब के तकाजे और एहतराम के तकाजे, ये सिलसिले भी फिर बढ़ जाते हैं। तो बहुत कुछ है, संभल के पांव रखना हाजी और शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। तो हज के मुबारक अय्याम, अरफा मीना की हाज़रियाँ, मुज़दलिफ़ा की हाज़रियाँ, अहराम की एहतियातें, बहुत कुछ है। काबे पर पहली नज़र, हो सकता है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उस वक्त शायद हम सफ़र शुरू हुआ हो या ना हुआ हो चुका हो, तो कोई मैं ज़्यादा इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ। तो अलबत्ता दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी दुआ करता हूँ कि जो रह गए हैं अल्लाह करीम उनको भी हज की सआदत दे, बार बार प्यारे महबूब करीम का प्यारा प्यारा मदीना देखना नसीब फरमाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इन दिनों में ख़ास यादें हैं,
इनकी कुर्बानियाँ हैं, रिज़ा इलाही के मुताबिक एक अपना इनकी ज़िंदगी का अंदाज़ है, वो इंशाल्लाह मदनी चैनल पर उम्मीद करता हूँ मुलाहिज़ा करेंगे और देखेंगे। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम आएंगे मदनी चैनल पर रात के, मदनी मुज़ाकरे तो ज़ाहिर है कि नहीं हो सकेंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी सलमान मदनी बराह रास्त आपके साथ सिलसिला करेंगे और उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा। हमने तैयारी की है कि इन दिनों में जब कमीले से हज पर हों तो जितना हो सके हम हज के ताल्लुक से भी, उन दिनों के ताल्लुक से भी, वहाँ के कुछ सफ़र के ताल्लुक से भी, मेरी नीयत है कि आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ भेजें ताकि जो रोज़ाना हमारे सलमान भाई का जो सिलसिला होता है उसमें आप करंट सिचुएशन या करंट जो सूरत हाल हो उससे आप आगाह हों कि लाखों करोड़ों आशिकाने अमीर अहले सुन्नत हैं जो देखना चाहते हैं, सब मालूमात लेना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा होगा। तो जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम भेजने की आपको कोशिश करेंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि हर शे या हर अदा को हम महफूज करने में कामयाब हो जाएं ये भी इतना ज़रूरी नहीं होता। पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ के हज के और उम्रे के मनाजिर भेजें, आइए उसकी कोई यादें ताज़ा कराता हूँ ताकि आपको मज़ीद आगे देखने की जस्तजू में इजाफा होता चला जाए। आइए देखते हैं। मीना शरीफ की मशहूर मस्जिद मस्जिदुल खैफ कहा जाता है कि मस्जिदुल खैफ में 70 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मदार आते हैं। हजरत सैयदना आदम सफीकुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का मदार फैज़ुल अनवार भी इसी में है। मेरे माँ बाप और सारी उम्मत मुझे ज़ेरे गुम्बदे खज़रा जलवाए महबूब में शहादत जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबी के अमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीक लक लबैक इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। या इलाही हज करूं तेरी रजा के वास्ते, जन्नत अता कर दे, जन्नतुल फिरदौस अता कर दे और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम का पड़ोस। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
देखा आपने, इंशाल्लाह इस बार भी कोशिश होगी कि बेहतरीन से बेहतरीन रिकॉर्डिंग के साथ हम आपको ये मसरूफियात एक्टिविटीज़ दिखाने में हम कामयाब हो जाएं। तो आपने ज़रूर देखना है रात का सिलसिला भी, कुर्बानी के जानवर ख़रीदे जा रहे होंगे और मस्जिद ख़रीदे जाएंगे, आप पर भी अगर कुर्बानी वाजिब हो तो ज़रूर कुर्बानी भी कीजिएगा। अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करना है, दावत इस्लामी के तहत होने वाली जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है, चाहें तो उसमें अपना ज़रूर हिस्सा मिलाएं, और इससे भी इंशाल्लाह खूब फ़वाद हासिल होंगे। ज़िमनन चले मैं आपको बताता भी चलूँ कि दावत इस्लामी का जो इज्तिमाई कुर्बानी का और कुर्बानी की खालें जमा करने का एक जो अंदाज़ है, आइए थोड़ी इसकी मैं आपको झलक भी दिखाता हूँ। कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी के दिन आए, फिर ईद आई है। हम बच्चों को अच्छी ये बकरा ईद लगती है, हर जानिब गाय बकरों की क्या भीड़ लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची यहाँ पर हम मौजूद हैं, और माशाल्लाह इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो खाले वगैरह लोड की जा रही है सुजुकी से ट्रक के अंदर। ईद कुर्बानी है, फसले अज़दानी है, ईद कुर्बानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, बाबुल मदीना की पाक हिलाली काबीना एक बहुत बड़ा एरिया है, इसकी एक समझिए डिवीज़न, उस डिवीज़न के भी एक इलाके में हम मौजूद हैं, मदनी कॉलोनी, यहाँ एक बस्ता है, और माशाल्लाह हमारे डिवीज़न मुशावरत के निगरान मौजूद हैं, हमारे हाजी अमीन नाथ खां मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस्लामी भाई जो हैं वो मोटरसाइकिलों के ज़रिए, रक्षों के ज़रिए, और जिस तरह जिससे बन पड़ रहा है, और यूँ दावत इस्लामी के लिए, दीन के लिए कोशिश करते हैं, घरों पर जाते हैं, खाले जमा करते हैं, तो अल्लाह पाक इन सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आ गया है ईद कुर्बान का महीना, मोमिनों लूट लो तुम रहमते रब का खजीना, मोमिनों लूट लो तुम रहमते रब का खजीना, मोमिनों ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। इस वक्त बाबुल मदीना का इलाका है क्लिफ्टन, यहाँ फैज़ान जिलान मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान जिलान मस्जिद के पास मौजूद हैं, और इस एरिया में भी दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह कसीर खाले जमा हो रही हैं। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम बाबुल मदीना का इलाका डिफेंस DHA फेज 4, हमारे यहाँ के माशाल्लाह जिम्मेदार इस्लामी भाई इरफान भाई, इनके साथ हमारे जामियातुल मदीना के तुलबा इकराम यहाँ हमारे इस्लामी भाई खाले जमा कर रहे हैं। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। पंजाब कॉलोनी और दिल्ली कॉलोनी, यहाँ इनका पूरा इज्तिमाई कुर्बानी का सेटअप है, खाले भी आ रही हैं, यहाँ से लोड हो रही हैं, और इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर हैं, और यहाँ पूरा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी टीम है, कट रहे हैं, फिर टोकरियों में हैं, यहाँ से तकसीम हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई जो है कोशिशें फरमा रहे हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी में हाज़िरी है, और यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी है, और मदन चलने के नाज़रीन देख रहे होंगे कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ जानवर कट रहे हैं, दूसरी तरफ उनका गोश्त जो है वो उसको काटा जा रहा है, और इस तरफ तकसीमकारी की तरकीब है, और फिर यहाँ से ये आगे जाके जो ना तकसीम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा निज़ाम यहाँ पर बना हुआ है कि जिनका हिस्सा है इस्लामी भाइयों तक उस हिस्से को पहुंचाया जाए, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की खालें भी जमा की जा रही हैं, और एक अच्छी तादाद में इस्लामी भाई जो है यहाँ पर भी दिन रात लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बाबुल मदीना कराची का इलाका खारा दर मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट के यहाँ मौजूद हैं, इसके बैक साइड पर हमारे निगरानी काबीना अब्बास भाई मौजूद हैं, और भी इस्लामी भाई यहाँ काम कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ पर जो बुकिंग हुई है, कुछ इस्लामी भाई अपने हिस्से लेने आ रहे हैं, कुछ कट चुके हैं। हमारे निगरानी काबीना बता रहे हैं कि टोकरियों में इसलिए दिया है कि इसमें हवा लगती रहे, गोश्त वगैरह ख़राब ना हो, फिर जब ये लेकर जाते हैं ना फिर उसको पन्नी वगैरह में पैक कर देते हैं ताकि जो है वो खून के कतरे वगैरह ना गिरें। ये देखिए आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं, क्या मंजर है, और क्या हमारे इस्लामी भाइयों की कोशिश है, खिदमत के पहले वहाँ से ज़िबा होता है, फिर कटता है, कटने के बाद टोकरियों में यहाँ आता है, फिर ये अलग अलग हिस्से जो है ये सब तोल के होता है हिसाब किताब। ये देखिए इसमें ये वज़न हो रहा है, ये माशाल्लाह ये रखा,
क्या बात है माशाल्लाह। ये देखें आपकी दावत इस्लामी, कितनी एहतियात, कितनी नफासत और क्या डिसिप्लिन। एक तरफ खाले जमा करते हैं, खाले उठाते हैं, ट्रकों में लोड करते हैं, फिर इज्तिमाई कुर्बानी के हिस्से भी बुक करते हैं, उसके जानवर खरीदते हैं, उनको संभालते हैं, उनको कटवाते हैं, फिर यूँ इतनी एहतियात के साथ उनके हिस्से बनाते हैं, फिर ये देते हैं। ये देखें ये यहाँ पर गोश्त कट रहा है। हम आए वहाँ से तो हमने आपको जो ना वो एंड वाला हिस्सा पहले दिखा दिया, अब अगर हम देखें तो ये जानवर ये हमारे इस्लाम पर ख़रीदते हैं, लाते हैं, यहाँ इनको बिठाते हैं, ये मज़ीद कटेंगे। यानी 7 लोगों की कुर्बानी, 34 नंबर किन 7 लोगों की वो आपके पास सब थे माशाल्लाह। ये ज़िबा होने के लिए जा रहा है और वहाँ कट चुका और यूँ प्रोसेस पूरा है। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, यह है आपकी दावत इस्लामी, कितना बड़ा सिस्टम, कितना बड़ा नेटवर्क, और ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो हमारा सीजनल काम है। और अल्लाह कबूल फरमा ले, हमारे इस्लामी भाइयों की कोशिशें दिन रात एक करते हैं। कईयों के घरों पे कुर्बानियाँ होती हैं, जानवर आते हैं, सब होता है, लेकिन ये अपनी खुशियाँ, अपने दिगर काम का छोड़ कर और यूँ अल्लाह के दीन की खिदमत में लगे होते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाल्लाह आप कुर्बानी की खालें ज़रूर भी ज़रूर हमें देने की नियत कर लीजिए। और मेरी तमाम तर आशिकाने रसूल से मदनी इल्तिजा है कि कुर्बानी की खालें आपने जमा भी करनी हैं और कुर्बानी खालें दावत इस्लामी को देनी भी हैं। इससे इंशाल्लाह आपको खूब दुनिया और आखरत की बरकत और भलाइयाँ नसीब होंगी। और ये सुन्नतों भरी जो एक आलमगीर आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक है, इसको आगे बढ़ाने में भी आपका ये भरपूर तआवुन होगा। अल्लाह करम करे और आगे इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर ये प्रोग्राम देखेंगे पसंद रसूलुल्लाह की। और जो जो बयान किया जाए कोशिश कीजिएगा इसे अपनी ज़ात में और अपने आसपास में इख्तियार कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा। या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, या रसूल अल्लाह मदीना जाए बन सीना मेरा, आपको जो हो पसंद बन जाए वो जीना मेरा।